बामसेफ संगठन की ओर से नांदेड में मराठवाड़ा विभागीय संगठनात्मक एक दिन के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण शिविर को नई दिल्ली के बामसेफ के राष्ट्रीय प्रचारक प्रेम कुमार गेडाम द्वारा मार्गदर्शन किया गया। इस शिविर में मराठवाड़ा के प्रशिक्षणार्थी बड़ी संख्या में मौजूद थे। दूसरा है सामाजिक ध्रुवीकरण। तो धार्मिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग चला रहे हैं, वो हिंदुत्व मजबूत करते हैं। अगर हिंदुत्व मजबूत होगा तो इस देश में ब्राह्मणवाद मनुवाद मजबूत होगा और हम मूलनिवासी बहुजन समाज की गुलामी दीर्घजीवी होगी। इसलिए बामसेफ के माध्यम से पूरे देश भर में सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन चल रहा है। अगर सामाजिक ध्रुवीकरण होगा तो एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट लोगों में भाईचारा निर्माण होगा और भाईचारा से संचय शक्ति का निर्माण होगा और उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग हम लोग मनुवाद को और ब्राह्मणवाद को उखाड़ कर फेंकने में हम लोग कार्य में ला सकते हैं। इसलिए आज का जो प्रशिक्षण शिविर है ये सामाजिक ध्रुवीकरण करने का ये कार्यक्रम है। युवा वर्ग को क्या कहेंगे सर? वर्तमान का जो युवा वर्ग है वो अभी मिसगाइडेड मिसाइल है। तो इस मिसगाइडेड मिसाइल क्यों हुआ तो उसका कारण है बिकॉज गाइडलेस सिलेबस। तो जो सामाजिक शिक्षा जो हमारे छात्र नौजवानों को मिलनी चाहिए वो सामाजिक शिक्षा भारत के किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। तो इसीलिए बामसेफ के माध्यम से ये ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है कि वर्तमान के छात्र नौजवानों को हम लोग सामाजिक शिक्षा देने का काम कर रहे हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से, ताकि युवाओं में सामाजिक आस्था निर्माण हो, सामाजिक आस्था से सामाजिक ईमानदारी निर्माण हो और सामाजिक ईमानदारी से सामाजिक आंदोलन इस देश में खड़ा हो सकता है और सामाजिक क्रांति हो सकती है। हमारे छात्र नौजवानों को जो शिक्षा मिल रही है वो अकेडेमिक एजुकेशन है, जिसका ऑब्जेक्टिव ओनली फॉर करियर है और वही करियर वर्तमान में ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन बचाने का प्रयास इस देश में कोई नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से युवाओं में सामाजिक शिक्षा हम लोग निर्माण कर रहे हैं। साधी सर्व भोजन माना माझं नाव सटवाजी डिंगापण खाते आणि मी या संघटनेमध्ये महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष म्हणून छात्रसंघामध्ये कार्य करत आहे। या प्रशिक्षण सभेचं कारण एक आहे की समाजामध्ये आज आम्ही एज्युकेटेड आहोत, माझं बी एम LLB थर्ड इयर चालू आहे। सांगणार दर्शकून आहे की आज जे बहुजन समाजातील शिकलेले विद्यार्थी आहेत, युवा बेरोजगार आहेत, त्यांना अशी कुठली सामाजिक शिक्षा मिळाली नाही आहे। याचं मुख्य एक हेतू आहे की याच्यामध्ये सामाजिक शिक्षा मिळली जाते आणि सामाजिक शिक्षामुळे समाजाचं जल कल्याणासाठी ते उपयोगात करता येईल, म्हणून या प्रशिक्षणावर फार महत्त्व आहे। आणि विद्यार्थी युवा बेरोजगारामध्ये जे की आज आमचा बहुजन समाज नेतृत्वहीन समाज झालेला आहे किंवा या समाजामध्ये आर्टिव लीडरशिप नाही आहे, उदाहरण घेऊन सांगितलं तर आज आमच्याकडे शरद पवार आहेत पण आर्टिव लीडरशिप नाही आहे, असे भरपूर नेते आहेत ते की फर्स्ट लीडरशिप आहे पण सेकंड लीडरशिप नाही आहे समाजामध्ये। आर्टिव लीडरशिप नसल्यामुळे समाजामध्ये अनेक बहुजन समाजा समस्या बळीपडा पडावं लागत असल्यामुळे या प्रशिक्षणामधून समाजाला एक न्यू लीडरशिप निर्माण निर्माती झाली पाहिजे, म्हणून हा प्रशिक्षण घेतात आहे। आणि या प्रशिक्षण हेच आहे की समाजामध्ये नव्याने एक ईमानदार लीडरशिप निर्माण व्हावी आणि बहुजन समाजाला न्याय मिळावा, म्हणून या मतासाठी शुभेच्छा घेत येत आहे आणि म्हणून आम्ही शिबिर लावलो। सर, आजचं जे प्रशिक्षण आपण इथं नांदेड जिल्ह्यामध्ये बामसेफच्या वतीनं जे आयोजित करण्यात आलेलं आहे, तर या प्रशिक्षणामध्ये सामाजिक जागृती करून एक जनशक्तीचं निर्माण करणं चालू आहे आणि जी जनशक्ती आम्ही निर्माण करत आहोत ते जनआंदोलनासाठी निर्माण करत आहोत, कारण भारतामध्ये बेरोजगारी आणि बऱ्याच युवा वर्गांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या आहेत। या युवा वर्गांना संघटित करण्यासाठी हे जागृतीचं अभियान आम्ही बामसेफच्या माध्यमातून करत आहोत। भविष्यकालीन योजना हीच आहे की ब्राह्मणी व्यवस्था उलटून टाकून आम्हाला बहुजन समाजाची फुलेश्वर आंबेडकरांची व्यवस्था निर्माण करणं हे आमचा प्राथमिक उद्देश आहे।